बिल्कुल वो क्रॉस कर रहा है, तो बहुत ही कम, इतना ज़्यादा पानी का बहाव है तो वो इतनी ताकत लगा के नाव चला रहा है। नाव जो जिस प्रकार से मियांगंज का आप लोग घाट दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये घाट पूरे तरीके से मतलब वहाँ पे जो पानी का स्तर है वो ज़्यादा है, तो डूबा हुआ है। बहुत ही कम सीढ़ियाँ यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं जो मियांगंज का घाट है, और पूरे तरीके से ये चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हर जगह जिधर नज़र जाएगी तो पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। तो एक गंगा नदी का विकराल रूप, जिस तरीके से पानी स्तर इतना बड़ा हुआ है, और घरों में और गंगा नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उनमें पानी जा चुका है, और फसलें तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो ज़्यादातर जो किसान लोग थे, तो गंगा नदी के जो किनारे किसान थे, उन किसानों का पूरे तरीके से वो फसलें थीं वो बर्बाद हो चुकी हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि उधर पानी में एक नाव है, मैं दिखाना चाहूँगा कि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि पानी में आप नाव दिखाई पड़ रहा होगा आपको, पानी में जो नाव है वो कितने स्पीड में वो चला रहा है और कितनी मतलब ताकत के साथ वो क्रॉस कर रहा है। तो बहुत ही कम, इतना ज़्यादा पानी का बहाव है तो वो इतनी ताकत लगा के नाव चला रहा है, नाव जो चला रहा है, तो थोड़ी थोड़ी नाव आगे बढ़ रही है। आप लोग देख सकते हैं नाव का नज़ारा। तो गंगा नदी में पूरे गंगा नदी में जिस प्रकार से मैं देखा है, तो एक ही नाव मुझे अभी नज़र आई है अभी तक, और वो भी हाथों से वो चला रहे हैं और उसमें कोई इंजन वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं नाव जिस तरीके से चला रहे हैं वो, तो काफ़ी देर से धार काटने में लगे पड़े हैं और अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। और उधर आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से जो मिट्टी होती है डेड बॉडी, तो उधर डेड बॉडी मतलब जलाई जाती हैं, और उधर मतलब शमशान घाट एक तरीके से आप मान लीजिए शमशान घाट है। तो यहाँ की जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मतलब मिट्टी वगैरह होती है आसपास में, तो वो शमशान घाट यहीं है। शमशान घाट में यहाँ पे मिट्टियाँ जलाई जाती हैं और उसकी सुरक्षा पूरे तरीके से यहाँ का शासन प्रशासन के तरीके से होता है। और जिस तरीके से यहाँ पे गंगा नदी में कचरा फैलाना वगैरह मना किया गया है, तो उसका लोग बखूबी नियम का पालन करते हैं और पूरे तरीके से बाहर एक स्थान बना रखा है, तो स्थान पे वहाँ पे लोग डेड बॉडी को जला के उसके बाद राख को और गंगा नदी में फिराते हैं। तो पूरे तरीके से अगर मैं वहाँ पर बात करते हैं, तो जो यहाँ का जो खतरा है, खतरे वाले मीटर लगा हुआ है पानी स्तर का, तो वो यहाँ पे है, वो खतरे से ऊपर ही है कुल मिला के। और इधर साइड में पूरी चारों तरफ यहाँ पे मतलब पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि गंगा नदी का किस तरीके से पानी का स्तर है और कितना यहाँ पे पानी है, वो आपने देखा इस वीडियो में। और बाकी मैं जो गंगा नदी के किनारे का गाँव है और खेती है, उसका वीडियो बहुत ही जल्दी बना के आपके चैनल पे आएगा।